अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के रोहिणी जिले के विजय विहार थाना पुलिस ने महज 9 साल की बच्ची के अपहरण के मामले को महज 24 घंटे से भी कम समय में सुलझाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल आरोपी अब बड़े घर पहुंच चुका है, लेकिन अपहरण की सनसनीखेज वारदात की कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही अनोखी भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इश्क में नाकाम होने या किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की कहानियां किससे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन दिल्ली के विजय विहार में रहने वाला कमलेश अपने से उम्र में बड़ी और 4 बच्चों की माँ से दिल लगा बैठा। थोड़े दिन तो उसके इश्क की ये कहानी ठीक चली, पर कुछ ही महीनों बाद कमलेश उस महिला पर शादी करने का दबाव बनाने लगा, पर शायद उसकी प्रेमिका को उसके साथ शादी नहीं करने थे। बस फिर क्या था, उस महिला पर शादी का दबाव बनाने के लिए 28 साल के कमलेश ने महिला की महज 9 साल की बेटी का ही अपहरण कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 2 तारीख शाम को पुलिस को एक बच्ची के घर के पास से गायब होने की सूचना मिली। पीड़ित बच्ची अपनी माँ और भाई बहनों के साथ रहती है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर है, जिसके चलते एक चीज़ तो साफ थी कि बच्ची का किडनैप पैसे के लिए तो नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, जिसके लिए पुलिस की कई टीमों ने आसपास के खाली पड़े प्लॉट, स्कूल आदि को देखा और साथ ही करीब 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे की फुटेज को भी खंगाला गया, जिसमें एक फुटेज में बच्ची एक बाइक सवार युवक से बात करती दिखाई दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे जांच की और आरोपी युवक की पहचान की गई। 2 तारीख को हमारे पास एक शिकायत मिली, एक लेडी ने आगे बताया जिसकी 9 साल की बच्ची उसके घर के बाहर से गायब। उस लेडी, मैं उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा। उसका ओवरऑल जो प्रोफाइल था, घरों में डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है, उसको देख के हमें ये नहीं लगा कि इसकी बच्ची को कोई किसी रैंसम वगैरह के पर्पज़ के लिए इसको किडनैप करेगा। तो शुरुआती जांच पड़ताल के बाद कहीं आसपास के खेलने कूदने में ना गई हो, लेकिन जब ये लगा कि मालूम चला कि एक जगह इसने अपनी बच्ची को कुछ सामान वामान खरीदने के लिए भेजा था और वहाँ से बच्ची सामान लेकर के वापस आई तो उसके बाद से मिसिंग हो गई, तो कोई क्रिमिनल एंगल इसके अंदर बच्ची के साथ में कोई दुर्व्यवहार वाली बात ना, उसको देखते हुए DCP साहब को जब ये उनके संज्ञान में नोटिस लगी गई बात, तो उन्होंने इमिजिएटली स्टाफ को डिप्लॉय किया और हमने आसपास का जितना भी एरिया था, पार्क, डेजर्टेड लैंड्स, नाले के आसपास के एरियाज, जो खाली बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, बारात घर वगैरह हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, मकान खाली पड़े हैं, उस सब जगह हमने करीब 12-13 टीमें बना करके वहाँ भेजी और हम इमिजिएटली हमने सब उसको वहाँ चेक करा कि कहीं बच्ची किसी के पास कहीं इधर उधर ना भटक रही। एक CCTV में इसके ये नज़र आया, वहाँ पर प्लेटफार्म के ऊपर इसकी एंट्री है, उसके साथ बच्ची भी है जी। लेकिन तब तक ये हमें सारी एक्सरसाइज करने में काफ़ी टाइम लग गया था, 11:30-11 बजे करीब टाइम हो गया था रात में। तो मुकदमा दर्ज करने के बाद इमिजिएटली हमने फिर ये टीम सब इंस्पेक्टर विशाल और थाने के 2-3 और स्टाफ के लोगों के साथ में बाई रोड उनको रवाना करा जी महोबा के लिए। और इसी बीच में महोबा SSP साहब से DCP साहब ने बात करी और उनसे भी असिस्टेंस मांगी, उनको इसका मुलजिम का और बच्ची का जो हुलिया हमारे पास अवेलेबल था जी वो हमने उनको पास भेजा, शेयर किया और हमें वहाँ से बड़ी पॉजिटिव हेल्प मिली। सुबह जैसे ये ट्रेन वहाँ 6 बजे करीब पहुँची तो स्टाफ ने GRP के जो स्टाफ था उन्होंने इस आदमी को जो मशकूक था हमारा ये सस्पेक्ट और इसके साथ में इस बच्ची को उन्होंने सकुशल बरामद किया। आरोपी कमलेश जो कि पेशे से राजमिस्त्री का काम करता है, कुछ महीनों पहले महिला के घर कुछ काम करने आया, जहां से उसकी जान पहचान पीड़ित बच्ची की माँ से हो गई और उसकी ये पहचान इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कमलेश को महिला से इश्क हो गया और वो महिला पर शादी का दबाव बनाने लगा, लेकिन 4 बच्चों की माँ बनी उसकी प्रेमिका उसे टालती रही और इसीलिए आरोपी ने महिला की बेटी को अपहरण कर लिया ताकि वो उससे शादी के लिए राजी हो जाए। पुलिस के अनुसार बच्ची अपने घर के पास ही एक दुकान से कुछ सामान लेने गई थी, जहां से वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बच्ची को अपने साथ ट्रेन से अपने गांव
यूपी के महुआ डिस्ट्रिक्ट ले गया है, जिसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस ने वहां की पुलिस से संपर्क किया और जीआरपी पुलिस ने आरोपी युवक को यूपी के महुआ रेलवे स्टेशन से बच्ची के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्ची बिल्कुल ठीक है। बहरहाल इश्क में नाकाम हुए आरोपी आशिक कमलेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने महज कुछ घंटों में अपहरण की इस वारदात का खुलासा कर किडनैप हुई बच्ची को सही सलामत उसके घर वालों को सौंप दिया है, वो सच में काबिले तारीफ है। देखिए मोटिव ये निकल कर गया है कि ये जो लेडी है इसका प्रोफाइल, जैसे मैंने आपको बताया घरों में काम करने वाली थी, चार बच्चों का भी परवरिश कर रही थी, इसका हस्बैंड अल्कोहलिक था, एडिक्ट था जी, कोई इनके घर में रोज इसी बात को प्रकलेश रहता था कि अपने बच्चों को पाले या उसकी एडिक्शन को पूरा करे जी। करीब 3 साल पहले वो इसको छोड़ करके चला गया, और ये वजह भी थी कि इसका जो इकोनॉमिक प्रोफाइल था उसमें हमें लग रहा था कि कोई किसी ने इसकी बच्ची को किडनैप रैनसम के लिए नहीं किया जी। तो ये आदमी जो हमारा सस्पेक्ट है, एक्यूज्ड कमलेश इसका नाम मालूम चला, ये जब इसके घर की मरम्मत वगैरह करने के लिए गया था वहाँ पर, और आसपास भी और मकानों में मरम्मत बाद में इसने कर लिया, तो इसके उसके लेडी के साथ में इंटीमेसी डेवलप हो गई जी, और इसने प्रपोज किया कि वो उससे शादी करना चाहता। लेडी, चार उसके बच्चे हैं, बड़ी बच्ची भी उसकी 15-16 साल की है, तो वो एक ना तो इसको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर पाई कि मैं शादी नहीं करूँगी, ना उसने हाँ किया, और पिछले 3-4 महीने से इनके बीच में ये बातें चलती रही कि हाँ या ना के उसमें एक डायलमा के अंदर लगे जी। तो जब इसको इंटरोगेट किया तो उसने ये कहा, कहा मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि मैं इससे शादी क्यों नहीं कर रही है, तो ये प्रेशर डालने के लिए इस बच्ची से थोड़ा सा वो खुला हुआ था, इसको ये लेकर के चला गया कि इसके ऊपर एक प्रेशर माउंट करूँगा कि या तो शादी कर। लेकिन इस वारदात ने साफ कर दिया कि अवैध रिश्ते ना सिर्फ उसे बनाने वालों के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।